टाइम फ्लावरिंग बड़ी प्यारी चल रही है यार। आइए आपको मैं इंट्रो कराता हूँ थोड़ा थोड़ा सा अपने प्लांट्स पे। ये देखिए, ये चाइनीज गवावा है ये, और इस पर भी गवावा आते हैं बहुत अच्छे अच्छे से, लेकिन फिलहाल नहीं आ रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन की कमी है, पूरी करेंगे इस सीजन इंशाल्लाह। ये हमारी जूही है जो कि विंटर फ्लावरिंग करती है। अभी आपको इसके बड्स भी दिख रहे होंगे खाली खाली, लेकिन अब नहीं है, विंटर में फ्लावरिंग होती है। और ये देखें, ये है नाग चंपा, एक होती है चंपा, एक होती है नाग चंपा। तो ये मेरा नाग चंपा का प्लांट है, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है इस टाइम। और जो मैं चंपा कह रहा था वो ये है चंपा। मेरे पास में तीन तरह की चंपा है। चंपा बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है ना इस चक्कर में। और ये देखें, इसको तो आप जानते होंगे, ये है मधुमालती, जो अक्सर घरों के बाहर लगी हुई मिलती है। हाँ, मेरे कुछ जेड प्लांट जिन्हें मैंने पिछले साल वो डेकोरेशन के लिए बनाया था, बट अभी इनके जो है वो पॉट बदलने रह गए हैं। मैंने शोपीस के लिए अपनी छत पर इस तरीके से लगा रखे हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये तो हमारे सदाबहार के प्लांट्स हैं। ये देखें, मैंने इसे दो जगह डेकोरेट कर रखा है। ये तो एक पत्थर चट्टा है और ये इसमें कैक्टस है, बाकी ये भी फिर मेरा कैक्टस है, फ्लावरिंग वाला कैक्टस। इस टाइम भाई गर्मी की वजह से सभी प्लांट्स में बहुत ही दिक्कत हो रही है। वो तो मैंने ग्रीन नेट ऑलरेडी जो है वो लगा दी थी, वरना तो सभी प्लांट जल जाते बुरी तरह। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये मेरे कुछ रोज के प्लांट हैं। ये देखिए, ये मेरा देसी, और ये पिंक रोज है चाइनीज वाला, और ये है चाइनीज रोज, ये रेड है, ये डार्क पिंक है जिसके आपको बर्ड्स दिखाई दे रही होगी, ये है वाइट, और इनमें एक येलो भी है वो उधर की तरफ अभी आप देखिए। ये मेरी मनी प्लांट है, इसे मैंने अपने हाथ से ही बनाया था इसकी स्टिक को। फिलहाल धूप की वजह से इसका कलर भी हल्का पड़ रहा है, वरना तो भाई एकदम ग्रीनरी रहती है यहाँ पर। छोटा सा स्नेक प्लांट। और ये देखें गाइस, ये है अजवाइन का पौधा। अजवाइन मैंने एक ही लगाई थी बस, कहीं से लेकर मतलब एक ही लगाई थी भाई, इतने सारे हो गए। ये देखो, ये भी अजवाइन, वो तो मैं इनसे परेशान रहता हूँ, फेंकता रहता हूँ या यूज में भी ले लेता हूँ बहुत सारे अजवाइन। ये प्लांट मेरा खत्म हो गया था बिल्कुल, डिफिन बीच है कि थोड़ी सी डिफरेंट ही वेराइटी है, लेकिन अब माशाल्लाह दोबारा से इसने ग्रो की है अपनी। ये देखें, इसके अंदर भी अजवाइन हो रहा है। गर्मी की वजह से सभी प्लांट्स ना बुरे हो रहे हैं, वो तो मैं इतनी केयर करता हूँ, वरना सब जल जाएं। अगर ग्रीन नेट ना हो तो एक भी ना बचने का भाई। ये देखें गाइस, मोगरा का देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, बस इसे एक दिन ही धूप में बाहर रखा था, अगर धूप से ना हटाऊं तो भाई पूरा जल जाता। माफ करियो भाई मोगरा, तेरा ख्याल ना रहा मुझे। मेरे पास में हेबिस्कस यानी गुड़हल की भी चार पांच वैरायटी है, चारों पांचों डिफरेंट डिफरेंट है, पीली वाइट और लाइट पिंक रेड। आइए अभी आपको दिखाता हूँ। और इसका तो कहना ही क्या है, ये सबसे अजीज है मुझे एरोकेरिया, क्योंकि ये ज़्यादातर होता भी नहीं है हर किसी के पास, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरे पास इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखिए गाइस, और ये देखिए गाइस, ये है मोरपंखी, ये गोल्डन वाली वैरायटी है, ये भी बहुत कम होती है मेरे पास भी। ये काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था मैं इसे लगाने की, बट होती नहीं थी। जब से मैंने ग्रीन नेट और इसकी अच्छे से केयर करनी स्टार्ट करी ना, जब से ये मेरे पास ग्रो हुई है, वरना तो इसे मैंने बहुत बार लगाया था लेकिन होती ही ना थी। ये देखें, ये है एरिका पाम, जिसे बंदर ने आते तोड़ दिया था, बट अभी ये रीग्रो कर रहा है। और ये बताएं गाइस किसका हो सकता है, कमेंट करें अगर आपको पता है, वरना मैं बताता हूँ। ये है इलायची, इलायची का हकीकत में इलायची का प्लांट है ये, कुछ लोग यकीन नहीं मानते हो, नहीं माने, बट ये इलायची का ही प्लांट है। देखिए, अभी मैंने कहा था ना मेरे पास एक येल्लो रोज भी है, तो देखिए यही है वो येल्लो रोज, बताएं कैसा लग रहा है। फिलहाल ये भी डैमेज है थोड़ा सा, क्योंकि इनकी भी ना गर्मियों में बुरे हो जाते हैं। इनका जो ग्रोइंग सीजन टाइम है वो है विंटर, विंटर में तो इन पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये देखें, मैंने यहाँ पर एक सफलेरा की बॉन्साई मेड की हुई है, ये देखें
ये सफलेरा और मनी प्लांट दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन बनाकर यहाँ पर फ्रंट पर लगा रखे हैं सभी प्लांट्स के लिए, बिल्कुल फ्रंट पर। और ये है बुगनवेलिया की बोनसाई स्नेक प्लांट, ये एक मनी प्लांट थी जो कि यहाँ से नेट अटने की वजह से बिल्कुल जल गई है, कोई नहीं रीग्रो हो जाएगी दोबारा। ये भी एक कैक्टस की वैरायटी है मैंने इसे यहाँ पर लगा रखा, मतलब प्लांट्स ज़्यादा नहीं है। ये है बेनियन ट्री जिस पर अभी अभी वर्क चालू है, इसे मैं बोनसाई में कन्वर्ट करूँगा इंशाल्लाह। देखें इस पर वर्क चालू है, मैंने वायरिंग स्टार्ट कर दी है इसकी यहाँ तक इसे शेप देने के लिए। और देखिए एरियल रूट्स, बस घर के तो प्लांट्स रह ही गए यार, इन्हें कौन मारेगा भाई, ये तो नाराज हो जाएंगे वरना। मिनी केक मेरी डिफिन बीचा है। यही था आज के गार्डन का टूर, उम्मीद है आप लोगों को मेरा गार्डन अच्छा लगा हो, बेशक छोटा है लेकिन है अच्छा। आप लोग ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।